सागर के उपनगरीय मकरोनिया दीनदयाल नगर में दहेज लोभी परिवार ने खुद की बहू और उसके परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ितों ने पूरे मामले की शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर से की है। पीड़ित महिला की बातें माने तो ये शादी ही झूठ की बुनियाद पर की गई थी। 15 दिसंबर 2018 को भोपाल के रहने वाले मिश्रा परिवार की बेटी की शादी सागर के उपनगरीय क्षेत्र दीनदयाल नगर रहने वाले तिवारी परिवार में हुई थी, लेकिन शादी कुछ दिनों बाद ही पीड़िता के लिए दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। कहा कि पापा ये बुला रहे हैं, आप आ जाओ नहीं मुझे जान से मार देंगे, आग लगा रहे हैं। तो हम लोग आ गए, हमने कहा बोली दो सौ आदमी बिठा रहे हैं, तुमको भी मारेंगे, रात में मत आना। हम लौट के राहतगढ़ चले गए पीछे, फिर हम दिन में आए, हमने कहा बेटी का सवाल है, दिन में चले तो दिन में आए हम मकरोनिया पे थाने में गए पद्माकर पे। हमने कहा भैया हमें बहुत जान को खतरा है, आप चलो हमारे साथ, हमने लड़की चीखी है भैया को मार डालेंगे। बोले नहीं लड़की आएगी जब ही होगा रिपोर्ट, आप जाओ कुछ नहीं होगा। हम आए सर, बहुत मारपीट की, जब वो लोग भाग गए, जब मोहल्ला वालों ने सबके मोबाइल छुड़ा लिए, इनके 10,000 रुपया, इनसे 5,000 और 2,000 रखे था, बेटी को लाए थे सर के, कुछ होगा फैसला तो कर देंगे। तो इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी, आके पूरों पे हमला कर दिया। जब चले गए तो मोहल्ला वालों ने फोन लगाया, अरे भाई जल्दी आ जाओ, अरे भाई जल्दी, अरे आ तो रहे, एक घंटे बाद पहुंचे हम लोग, सब बेहोश हो गए, जब तक हमको पता नहीं है कब हॉस्पिटल में पहुंच गए। पीड़ित महिला का मायका पक्ष मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन भरण पोषण करता है और यह बातें आरोपी परिवार को पता थी, लेकिन दहेज लोभी इस परिवार ने पीड़ित महिला पर जुल्म ढाने का कम नहीं किए। महिला पति प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन शादी के बाद उसने काम छोड़ दिया और अपने लिए लोडिंग वाहन खरीद लिया, जिसके रुपए देने के लिए आरोपी आए दिन पीड़ित महिला के साथ मारपीट करता था। जब पीड़िता महिला ने रुपए की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात कही तो आरोपी परिवार ने जिंदा जलाने की धमकी दी। मारपीट और मुझसे कहा मुझे तेल डाल के केरोसिन डाल के आग लगा रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, और मुझसे बोले मैंने गाड़ी ली है अपने बाप से 2 लाख रुपए मांगा। मैंने बोला मेरा बाप मजदूरी करता है, वो पैसे नहीं दे सकता इतने, तो बोला हम तुझे मार डालेंगे। बोला पैसे मांगा नहीं तो बोला सबको, बोला भाइयों को, माँ बाप को, सबको बोला जितने तेरे परिवार में है। तो हमने रात को अपने माँ बाप को कॉल करवाए ने जबरदस्ती, तो हमने कहा पापा आजा, सब लोग जी हमें जान से मार रहे हैं। इस धमकी के बारे में पीड़ित ने अपने घर पर बता दी और घटना की खबर लगते ही पीड़ित महिला का परिवार भोपाल से सीधा सागर पहुंचा तो आरोपी तिवारी परिवार ने इन सभी को बेरहमी से पीटा। एक संध्या तिवारी मैडम आई हुई थी, अपने बच्ची उनके साथ में थी और उनके पेरेंट्स थे, फादर थे, ब्रदर और कजिन थे। उनका ये कहना था कि ये लोग बेसिकली भोपाल के रहने वाले हैं और संध्या तिवारी की शादी हुई है दीनदयाल नगर में, तिवारी फैमिली है, यहाँ उनकी ससुराल है। शायद उन्होंने फ़ोन से मैसेज किया था कि ससुराल वाले कुछ परेशान हो रहे हैं, तो बच्ची को लेने के लिए मैं यहाँ ससुराल आए हुए थे बच्ची के। तो उनके पेरेंट्स के साथ मारपीट गई, हाथ में फ्रैक्चर वगैरह दिख रहा, तो अभी मैंने थाना प्रभारी मकरोनिया को बताया है, थाना प्रभारी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई हासिल कर रहे हैं। सर उनने पुलिस पे आरोप लगाए हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की है, इसकी अभी जांच कर लेंगे, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा था तो उनका कहना था कि जब उनसे साथ मारपीट हुई उसके बाद सीधे हॉस्पिटल चले गए थे ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ से मेमो पहुँचा होगा और इसमें जो भी उनका कहना होगा निश्चित उस पर कार्रवाई हम करेंगे। आप साफ तौर पर विजुअलों में देख सकते हैं कि पीड़ित अपनी एक माह की बच्ची और अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर कैसे मदद की गुहार लगा रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोकल न्यूज के लिए सागर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट।